मेरे ब्याह नूं 11 महीने हो गए हैं। मैनू तो मेरा तेरे ब्याह का चाह भी नहीं पूरा होया। मेरे सोहरा सब हूँ मैंने सहुरे वालों का प्यार भी नहीं मिलिया। ब्याह मेरे सहुरे वाले मैंने बहुत तंग परेशान करते, मेरे ते ब्लेम लाते हैं कि तेनों दौरे पेंदे हैं। मैनू कोई दौरा नहीं पैंता, वो मैंने कहते कि अं तेनों नहीं रखना। मेरा सहुरा साहब मैंने बहुत तंग परेशान करते हैं, मैंने मारते कुटते हैं, मेरे तो जबरदस्ती मेरे को फोन करवाते हैं कि तू अपने मम्मा पापा ने कह कि इतों लै जाओ। जिस दिन मेरे मम्मा पापा मेरे घर गए, इन्होंने मेरे नाल मेरे माता पिता नाल बहुत ज़्यादा गाली गलोच किया, मैंने धक्के मार के घरों कढ़ दिया। सासू मम्मा मैंने खाना दे देते हुए उसे पता नहीं कि नशीलियां दवाइया दे के मैंने खाना दे देते, जेड़ा कि मैंने सख्ते होश नहीं होंगे, तो मेरे लिए वीडियो बना लेंदे होंगे। तो फिर मेरे मम्मा पापा कह देते होंगे कि तुम बेटी बेटी ने दौरा पै। झूठे इल्जाम ने कोई असी दहेज की मंग नहीं की, वो बेटी नू जो भी है सारा कुछ पता है। क्यों इस तरह के इल्जाम लाए जा रहे थोड़े परिवार को? सानू बदनाम करने वास्ते जी, वो बेटी नू कोई दौरे की शिकायत सी, जिदों के अं व्याह के लियाए हैं उस तो अगले दिन उन्होंने दौरा पै जाता है। मेरे सहुरे वाले मैंने बहुत तंग परेशान करते, मेरे ते ब्लेम लाते हैं कि तेनों दौरे पेंदे हैं। मैनू कोई दौरा नहीं पैंता, वो मैंने कहते कि अं तेनों नहीं रखना। मेरे सहुरा साहब साथ मेरी कौंसलर आ भुपिंदर सिंह राही, मेरे सहुरा साहब का नाम आ रणजीत कौर राही, मेरी सासू मामा का नाम आ। मेरे सहुरा साहब मैंने बहुत तंग परेशान करते हैं, मैंने मारते कुटते हैं, मेरे तो जबरदस्ती मेरे को फोन करवाते हैं कि तू अपने मम्मा पापा ने कह कि इतों लै जाओ। जिस दिन मेरे मम्मा पापा मेरे घर गए, इन्होंने मेरे नाल मेरे माता पिता नाल बहुत ज़्यादा गाली गलोच किया, मैंने धक्के मार के घरों कढ़ दिता, तो मेरे को कार की मंग करते हैं। मेरे भूई जी की बेटी की पिछले महीने मैरिज हुई थी, उन्होंने असी कार दी ही। मैं उन्होंने कहा कि तुम मैनू भी लैके जाया करो, ये कहें कि जे उन्होंने तो तुम कार दी तेनों असं कितने बुलेट पर लै जाया करिए, जिस दिन तू सू कार दे देंगे असं भी तेनों घूम लै जाया करा। इन्ना मतलब मैनू रात में मेरे मम्मा पापा मेरे सासू मम्मा मैंने खाना दे देते हुए उसे पता नहीं कि नशीलियां दवाइया दे के मैंने खाना दे देते, जेड़ा कि मैंने सख्ते होश नहीं होंगे, तो मेरे लिए वीडियो बना लेंदे होंगे। तो फिर मेरे मम्मा पापा ने कह देते होंगे कि तुम बेटी बेटी ने दौरा पै गया है, आ देख लो। मैं पुलिस प्रशासन में यो चाहनी हाँ कि मैनू मेरा पूरे तो पूरा इंसाफ दिता जाए। असं इन्हों सारा समान फर्नीचर दिता, 3 लाख का असं इन्हों गहना पाया, बुलेट दिता, सारा ओल्ड फर्नीचर दिता। फिर भी मेरे माँ प्यो ने कहते हैं कि जो तक तुहाडी बेटी नूं तुसीं गड्डी नहीं दोगे असीं इहनूं नहीं रखना चाहुंदे। मेरे ब्याह नूं 11 महीने हो गए, मैंने तो मेरा तेरे ब्याह का चाह भी नहीं पूरा होया। मेरे सहुरा सब हूँ मैंने सहुरे वालों का प्यार भी नहीं मिलिया। ब्याह तो अगले दिन बाद ही मैंने तंग परेशान कर लग पे, कहते कि तेनों दौरे पेंदे, पर मैंने यहोजा कुछ नहीं होंगे। मेरे नाल मेरे माँ प्यो ने बहुत बदसलूकी की है। मैं पुलिस प्रशासन वालों तो सारे वालों यो चाहनी हाँ कि मेरा मैंने पूरा इंसाफ दिता जाए। किन्ना पढ़े हो? मैं BSc IT का कोर्स करती पी हाँ सत्यम कॉलेज। तो जो इल्जाम लाते दौरे दौरे पैंते झूठे ने सच्चे ने? हाँ जी, ये झूठे है कि मैंने कुछ नहीं होंगे। मैनू मतलब मैं जेड़े दौरे वाले बच्चे तो एक दिन भी नहीं स्कूल रखा जाता। मैं सब को मैं सत्यम कॉलेज में मैं कल्ली अपने कॉलेज आँदी जाती हाँ, मतलब सब कुछ पढ़ते लिखते हैं। मैंने कहते हैं कि तेन अकल है कि तेन पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ जी, मैंने मजिठे दी धमकियां लगाते हैं कि हाँ मतलब जे तुम हाथे केस भी पा दोगे तो मजिठिया सूँ कभी नहीं के मतलब सूँ कढ़वा सकता, जे तुम हाड़े परचा भी करवा दोगे तो मतलब जो भी कितने जाते मैं घर कल लोग करके चले जाते हैं। तो जो कोई पुछता है ना कि तुम अपनी नूँह क्यों नहीं बाहर कढ़िया, तो लोगों ने कहते हैं कि अकल नहीं हैगी भी इनू काम कार नहीं करना आता इनू ये आ। तो मैं मतलब मैं इस भैन ने साढ़े तक पहुँच की है, इन्होंने परिवार ने इस भैन में एक राही कौंसलर आ अकाली दल का, और वो परिवार ने वो नौह आदि परिवार ने कुटमार करके इनू घरों कढ़िया होया है, और उस चीज़ का असी नोटिस लिया। अज असी अपनी टीम के नाल इस भैन के घर पहुँचे हाँ, और इसका संज्ञान लैके असी वड्डी व्योंदमेंदी कर रहे हैं, उसके उपर कानूनी कार्रवाई करावांगे। और मैनू पता लगा कि कार की मंग करता राही कौंसलर इन्हां दे कोलों, इस आटो वाला कुड़ी का फादर जिहड़ा आटो चला के अपना गुजारा करता, इन्हें पहला ही अपने रिश्तेदार को भैन भरावों को पैसे फड़ के अपनी वित्त के अनुसार ज़्यादा अपनी वित्त तो ज़्यादा ये दाज दे चुका, बुलट मोटरसाइकिल होर बाकी बैड समान जो भी घर जरूरत का दाज हों दे चुका। पर अजक दाज की लालच इन्नी ज़्यादा वध गई आ, उन्होंने लालचियां उस चीज़ के ना उन्होंने ढिड नहीं भरिया, तो वो कार की डिमांड कर रहे हैं। और इसकी दरखास्त असी इन्हां दे परिवार ने महिला मंडल थाने दिती हुई आ, अजे उत्थों कोई पॉजिटिव रिस्पोंस इन्हां नूं नहीं मिल रहा। मैं प्रशासन को बेनती करदा, कमिश्नर साहब को बेनती करदा
कि ये जिहड़ा तुसी महिला वास्ते थाने बनाए ने इत्थे महिला दी सुनिया भी करो, महिला दे नाल बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा, हर घर दे विच अत्याचार हो रहा, महिला नू बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा। सरकारां गल्लां ते करदियां ने कि महिला नू असी पुरश दे बराबर करना, पर ग्राउंड दे उत्ते बिल्कुल जीरो आ। महिला थाणियां दे विच वी पुरश ही काम करते ने, महिला को पूरी अपनी कहानी नहीं दसी जाती। एक ऑफिसर जी महिला ऑफिसर आ, लीडर भी पुरश हुंदा है। मैं प्रशासन भी बेनती करदा महिला थाणियां दे विच सिर्फ महिला ऑफिसर ही लगाए जाण, थले तक स्टाफ दे ऑफिसर भी महिला लगाए जाण, जो कि ये भैणां नूं इंसाफ मिल सके। एक्स कौंसलर मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रणजीत कौर आही जी कौंसलर, तुहाडी नौ अमनदीप जिहड़े ने उन्हां ने इल्जाम लाए ने देखो ये झूठे इल्जाम ने, कोई असी दहेज की मंग नहीं की। बेटी नू जो भी है सारा कुछ पता है। क्यों इस तरह के इल्जाम लाए जा रहे थोड़े परिवार के? सानू बदनाम करने वास्ते जी। वो बेटी नू कोई दौरे की शिकायत सी, जदों के अं व्याह के लियाए हाँ उतों अगले दिन उन्होंने दौरा पै जाता है। असं गड्डी दे विच पा के उस परिवार के नाल संपर्क करते हैं, उन्होंने लैके जाने उन्होंने घर और उन्होंने दिखा के भी आने। मतलब कि भूआ जी अगले अगल वांडी साढ़े को मतलब कि जी भूआ वो एक निंदर है तो एक नवे पिंड वाली जी कि झोलन है वो आदियाँ, वो डॉक्टर के कोल लैके जा दवाई दवादियाँ, फिर सानू अपने घर भी खड़ दें दो घंटे उन्होंने कुड़ी अपने को रख दें, जब मतलब कि ठीक ठाक हो जाती है फिर साढ़े नाल वापस मतलब कि कुड़ी असी लैके आने। कोई यहोजा मसला नहीं है जी। वेखो वूमेन सैल दे विच जिहड़ी दरखास्त चल रही है, किसे उत्थे जाके पुलिस अफसर नूं तुसी पुछ लो, चाहे उत्थे इंस्पैक्टर साहब नूं पुछ लो, चाहे DSP साहब नूं पुछ लो कि तुहानूं कोई मजीठिया साहब की सिफारिश आई है, चाहे किसी लीडर की सिफारिश आई है साडी तरफों श्रोमणी अकाली दल वालों, किसी की सिफारिश असीं नहीं कराई ना हाले तक। मैं किसी अपनी पार्टी ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਉਲਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਆ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੌਰੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗੇ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ